ये सब बताना जरूरी था क्या? तो इसमें गलत क्या है, हमने शादी तो की है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। जैसे बड़ा कोई तीर मारा। ओफो, जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। रुको ना, क्या ढूंढ रही हो? और क्या, चेक कर रही हूँ कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा। भार्गव, क्या हो गया, अचानक गाड़ी क्यों रोक दी? मुझे जोर से लगी है, तो मैं अभी आता हूँ। ये जहां भी जाता है वहीं रुक जाता है। जाना ही जरूरी है क्या? क्योंकि ज्यादातर सब लोग वहीं तो जाते हैं ना, इसलिए। सब जाते हैं इसलिए हमारा जाना जरूरी है? मतलब यहीं कहीं चलते हैं ना? यहीं पर, कार में ही। अरे तुम भी ना, यहीं पर मतलब यहीं कहीं आसपास रिजॉर्ट या फार्म हाउस में, उतनी दूर जाने की क्या जरूरत? अच्छा ये बात है, मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? वो एक मुहावरा है, छोड़ो। मुझे भी बताओ ना। ऐसा कहते हैं, अगर लोहा गर्म हो ना तो जल्दी से हथौड़ा मार देना चाहिए। तुम्हें और कुछ नहीं सूझता क्या? ए, वहां देखो, लगता है वहां कोई रिजॉर्ट है। चलो देखते हैं, लेफ्ट लो, लेफ्ट लो ना। अरे हाँ बाबा। बासुंबी, पता नहीं क्या सोचकर ये नाम रखा है। जगह भी कुछ डिफरेंट सी लग रही है ना। अच्छा मैं जरा देख कर आता हूँ कि यहाँ रूम है या नहीं, तुम यही रुको। ओके। नमस्ते, मैनेजर नहीं है? सर यहाँ अच्छा रूम मिलेगा क्या? समंदर में उतरकर गहराई नापने चला है, अच्छा रूम मतलब? सर हमारी नई नई शादी हुई है तो हम हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे, लेकिन ये जगह देखकर यहीं पर ठहरने का मन कर रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। समझ गया मैं, आपको फैमिली कम प्राइवेसी रूम चाहिए, यही ना? करेक्ट सर, सही पहचाना। ए शेख चिल्ली, इधर आ। हाँ सर, कहिए। इन्हें रूम नंबर 208 दिखा जा। उसके बाद क्या करूँ सर? एक आदमी को मिक्सर की तरह काम करना चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो अपना ढक्कन बंद रखकर काम करता है। चल जा। ओके सर। पहले 2-3 दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास जाकर कमर ठीक करवानी होगी। सर रूम तो बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा है, इसका रेंट कितना है? वैसे दूसरों के लिए 3,000 पर डे है, और आप कह रहे कि आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको 50% डिस्काउंट दे देंगे। थैंक यू सर, मेरी वाइफ बाहर ही खड़ी है, मैं उसे अभी लेके आता हूं। हाँ जाइए, मैं किसी को भेजता हूँ, आपका लगेज लेकर आ जाएगा। ठीक है सर। कितना लंबा है, हाँ लगता है ऊंट का दूध पीकर बड़ा हुआ है। 50% कैसे वसूल करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने मैनेजर से कहा कि हमारी नई नई शादी हुई है।
ये सुनकर उसने हमें 50% डिस्काउंट दे दिया। ये सब बताना जरूरी था क्या? तो इसमें गलत क्या है, हमने शादी तो की है, कोई गुनाह थोड़ी ना किया है। जैसे बड़ा कोई तीर मारा। सर आपको कुछ भी चाहिए तो रिसेप्शन पे फोन कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो जी। ये लो। थैंक यू सर। क्या ढूंढ रही हो? और क्या, चेक कर रही हूँ कहीं सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगा। कैमरा? यहाँ पर कोई कैमरा क्यों रहेगा? इस तरह के होटलों में हम जैसे लोगों का प्राइवेट वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना कॉमन हो गया है। बिंदु, सबको एक ही जैसा नहीं समझना चाहिए। जो भी हो, हमें सावधानी बरतनी चाहिए ना। औरतें वैसे भी शकी होती हैं। ठीक है, देख लो। भार्गव, सूटकेस लेकर आओ ना। लाता हूँ। ये लो। प्लीज इसे खोल दो ना। हाँ, खोलने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। तभी तो किस्मत खोली मेरे जैसी कूल वाइफ से शादी करके। जाओ ना, फ्रेश हो जाओ। रुको ना। पहले फ्रेश हो जाओ। जाओ। चलो जाओ।